हेलो फ्रेंड्स, मैं कुसुम जैसा होम मेड रेसिपी में आप सबका स्वागत है। और आज मैं आपसे एक ऐसा लड्डू शेयर कर रही हूँ। लड्डू तो आपने हज़ारों बार खाए हैं ना, और कई तरीके खाए हैं, बट मैंने ऐसा जड़ी बूटी का लड्डू तैयार किया है कि आपकी हज़ारों बीमारियों को यूँ छू मंतर कर देगा। और फ्रेंड्स, बहुत से लोग ना बहुत सी बीमारियों से ग्रसित है, तो हो सके तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस लड्डू को शेयर करें ताकि वो इसको देखें और आपको उनको फ़ायदा हो, तो आपको बहुत ज़्यादा दुआ देंगे। और किसी का भला हो तो अच्छी बात है ना। तो बनाते हैं फिर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 50 ग्राम अश्वगंधा की लकड़ी ली है। तो ये लकड़ी ऐसी होती है, देखिए, आपको पंसार की दुकान पर या ऑनलाइन आराम से मिल जाएगी, इस तरीके की, देखिए। और 50 ग्राम ही मैंने यहाँ पर सफ़ेद मूसली ली है, ये भी आपको पंसार की दुकान पे या फिर ऑनलाइन आराम से मिल जाएगी। ये देखिए, ये भी टाइट सी लकड़ी होती है इस तरीके की। और ये फ्रेंड्स मैंने 50 ग्राम ही कांगड़ी ली है, तो ये भी आपको पंसार की दुकान पे ही मिलेगी, एकदम बाजरे के दाने जैसी होती है। ये देखिए, कांगड़ी बोलते हैं इसे। और थोड़े से काजू बादाम लिए हैं, और तो एक बाउल भरकर मैंने यहाँ पर फूल मखाने, और जो भी सामान मैं आगे लेऊंगी ना वो आपको दिखाती रहूँगी। तो यहाँ पर मैंने लोहे का मामजस्ता लिया, थोड़ा सा भारी वाला, तो उसमें ये सफ़ेद मूसली को थोड़ा सा छोटा करेंगे, मतलब इसके टुकड़े करेंगे, क्योंकि बहुत टाइट होती है, तो मिक्सी जार को बहुत ज़्यादा जोर आएगा। और फ्रेंड्स, इसका पाउडर भी आपको बाजार में आराम से मिल जाएगा पंसार के, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए ना ये लकड़ी दिखाई है, मैंने दिखाया है कि आपको ये लकड़ी ऐसी होती है ताकि आप इसे पहचान सको कि इस तरीके की होती है। तो इसका पाउडर बना लिया, एक बाउल में निकाल लेते हैं, इसे आप छान भी सकते हो। तो उसी तरीके से मैं ना अश्वगंधा की लकड़ी को भी छोटा छोटा कर लेते हैं टुकड़े। ये भी बहुत टाइट होती है यार, पिसने में इसे मिक्सी जार को बहुत जोर आएगा, हमें तो क्या आएगा। तो छोटी छोटी करने के बाद में इसे भी ग्राइंड कर लेते हैं, अच्छा सा पाउडर बना लेते हैं इसका भी। ये देखिए, आपको देख कर ही लग रहा है ना कितना जोर आया होगा मिक्सी को। तो बस इसका पाउडर भी मैंने निकाल लिया है। तो अब जो मैंने कांगड़ी ली है ना, इसको फ्रेंड्स बस दो बार हल्का हल्का चलाएंगे मिक्सी को, बिल्कुल दो बार हल्का हल्का। तो ये देखिए, इसके ऊपर एक छिलका होता है फ्रेंड्स, वो छिलका निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो छिलका नहीं निकालोगे तो बिल्कुल भी अच्छा आपको स्वाद नहीं आएगा, और बहुत मतलब अजीब सा लगेगा आपको ये लड्डू। तो इस तरीके का देखिए, ये एकदम रुचि से तैयार होगी ना, इतनी सारी, इतना सारा छिलका निकला इसका, ये देखिए फ्रेंड्स, है ना। और ये देखिए, एकदम छोटे छोटे से दाने निकले, ये देखिए बिल्कुल से, है ना, और बिल्कुल कम हो गए हैं। तो बस इसे ही ग्राइंड करना है हमें, इसका ही पाउडर बनाना है। तो ये देखिए, इसका भी पाउडर बनाकर मैंने रेडी कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, है ना, एकदम महीन सा, इसे आप छान भी सकते हो। तो इसे भी एक बाउल में निकाल लिया है मैंने। और ये देखिए, हमारे तीनों पाउडर पीसकर एकदम तैयार हो गए हैं। तो एक कढ़ाई को मैंने गैस पे रखा है, उसमें मैंने 3 से 4 चम्मच भरकर घी डाल दिया है मीडियम फ्लेम पे, अच्छा सा इसे गर्म कर लेते हैं। तो घी थोड़ा सा गर्म हुआ, तो इसमें बादाम और काजू डालकर अच्छा सा इसे फ्राई करेंगे कि एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक, ताकि अच्छा सा टेस्ट आए। इसका तो यही है कि अच्छा सा आप जितना फ्राई करोगे ना अच्छा सा, उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैंने एकदम गोल्डन ब्राउन कर लिया इसे, बस निकाल लिया है अच्छे से फ्राई करके। और जो बचे हुए घी में, उसमें फूल मखाने अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो थोड़ा सा घी ज़्यादा ही था, और फूल मखाने ने तो खूब पिया जमकर, देखिए अच्छे से फ्राई हो गए। तो इन्हें भी निकाल लेते हैं उसी बाउल में जिसमें काजू बादाम निकाले ना, उसी प्लेट में निकाल लिए मैंने, ये देखिए। और उसमें फिर मैंने 2-3 चम्मच घी और डाल दिया है, और थोड़े से किशमिश को भी हल्का सा फ्राई कर लेते हैं, बस कोई ज़रूरी नहीं है इसको फ्राई करना, बट हल्का सा कर लेते हैं। ज़्यादा फ्राई करोगे ना तो ये टाइट टाइट हो जाएंगे, बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। बस हल्का सा फ्राई करके इन्हें निकाल लिया मैंने। बस ड्राई फ्रूट्स हमारे फ्राई हो गए हैं, तो बचा हुआ घी में 1 चम्मच घी और डाला है। और 50 ग्राम यहाँ पर मैंने गोंद लिया है, और इसे भी अच्छा सा फुला कर बाहर निकाल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छा सा फूल गया है, तो बस इसे भी निकाल लेते हैं एक प्लेट में, ये देखिए, है ना। और यहाँ पर मैंने 400 ग्राम ये देसी खांड ली है। और यहाँ पर आप कुछ नहीं लेना, ना गुड़ लेना आपको, ना कोई चीनी को ग्राइंड करके लेना है, बस देसी खांड ही लेनी है जो सेहत के लिए अच्छी होती है। और उसी कढ़ाई में मैंने 3-4 चम्मच घी और ऐड कर दिया है। और आपको मैं बता दूंगी कि मैंने कितना घी लिया है। तो घी को हल्का सा गर्म होने पर मैंने यहाँ पर 500 ग्राम गेहूँ का आटा लिया है। और फ्रेंड्स, इसे 1 मिनट, है ना, हाई फ्लेम पर अच्छे से भूनेंगे। इससे क्या होगा ना, आटा अच्छे से गर्म हो जाएगा, और फिर एकदम लो फ्लेम पे इसे कम से कम 15 से 20 मिनट अच्छे से भूनेंगे, ताकि जितना अच्छा आटा हमारा भूनेगा ना, टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। और अश्वगंधे के बारे में तो फ्रेंड्स मैं आपको क्या बताऊँ, इसका वीडियो मैंने पहले भी शेयर कर रखा है, और गोखरू के लड्डू का भी मैंने वीडियो शेयर कर रखा है। उन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप क्लिक करके ज़रूर से देखिए। और फ्रेंड्स, अश्वगंधा के
लड्डू के बारे में तो मैं आपको क्या बताऊँ। जो बच्चे जिम कर रहे हैं या फिर आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और जिनकी एज बहुत ज़्यादा होगी, सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा लगते हैं और शरीर बहुत जल्दी थक जाता है, तो उनके लिए अश्वगंधा ये सफ़ेद मूसली बहुत ही बेहतर है, औषधि है और आप ज़रूर से ट्राई करें। और जो काकड़ी है ना फ्रेंड्स, कहीं भी आपके जॉइंट प्रॉब्लम हो उनके लिए बेहतर औषधि है। और आपको तो पता है भारत एक जड़ी बूटियों का देश है, बट जड़ी बूटियों का अच्छे से उपयोग करना आना चाहिए हमें। तो आटा अच्छे से भून गया, ये देखिए फ्रेंड्स कलर अच्छे से चेंज हो गया इसका, ये देखिए है ना। तो बस फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और अब कढ़ाई हमारी अच्छी सी गर्म है, आटा भी अच्छे से गर्म है। तो बस इस तरीके से मैंने एक खड्डा सा कर दिया है और इसमें अश्वगंधा का जो पाउडर था और सफ़ेद मूसली का जो पाउडर था और कांगड़ी का जो पाउडर था, तो अच्छे से इसमें रख कर और आटे से चारों तरफ से अच्छे से ढक देते हैं। इससे क्या है ना, आटे में इसके सारे गुण आ जाएंगे इस तरीके से, ये देखिए है ना। और अब मैंने जो देसी खांड ली थी उससे भी अच्छे से ढक देते हैं इसे। जितना अच्छे से आप इसे ढकोगे उतने ही अच्छे इसके गुण आएंगे, जैसे जैसे ये गर्म होगा वैसे वैसे। और 2 मिनट इसे मैंने ढक कर रख दिया है, तो 2 मिनट बाद इसे ना अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और फ्रेंड्स अब मैंने यहाँ पर 350 ग्राम घी लिया था टोटल घी सारा, तो जो बचा हुआ घी था ना वो भी इसमें ऐड कर दिया, और जो ड्राई फ्रूट्स गोंद वो सब इसमें ऐड कर दिया, और थोड़ी सी मैंने रोस्ट मूंगफली भी ली है टेस्ट के अकॉर्डिंग और वो भी ऐड कर दिए। तो बस अच्छे से मिक्स करना है हमें इसे और बस इसके लड्डू बनाने। तो फ्रेंड्स आपने देखा ना कितने हेल्दी फूल, और हाँ इसके गुण आप है ना गूगल पर सर्च करके ज़रूर देखिए, आपको पता लग जाएगा कि कितने गुणों के भंडार है ये। और फ्रेंड्स वीडियो तो शॉर्ट में बन गया था यार, मैंने इसे थोड़ा जूम किया है तो प्लीज़ इसके लिए सॉरी, लेकिन आप इस वीडियो को इस तरीके से ना देखिए, आप इसे के गुण देखिए और इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए। मैं आपको बोल रही हूँ आप एक बार इसे सर्दियों में अगर खाओगे ना तो फिर आपको दवाई तो लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, डॉक्टर तो आप भूल ही जाओगे। आप ट्राई करके देखिए और हो सके ना तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि कई लोग इसका लुत्फ उठा सके, इसका फ़ायदा उठा सके, और वो भी आगे से आगे शेयर करें। और मुझे ज़रूर से बताइए आप कहाँ कहाँ से रहने वाले हैं ताकि मुझे पता लगे कि कहाँ कहाँ मेरे